अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आगा वसीम है और तो आज मैं आपके लिए डिफेंस फेज 5 में एक 1000 स्क्वायर यार्ड्स का बैंगलो जो है वो फॉर सेल के लिए लेके आया हूँ। तो आप मेरे साथ रहिएगा, हम आपको इसका रिव्यू करवाते हैं। थैंक यू। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ये घर का कार पोर्च है जो कि तकरीबन 10 से 12 गाड़ियों की इसमें गुंजाइश है, और मेरे लेफ्ट पे आप देखें कि इसमें बहुत एक्सरसाइज का गार्डन दिया गया है जो तकरीबन 250 स्क्वायर यार्ड्स का है। इसमें आप अपने इवेंट्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो चलें अंदर चलते हैं, मैं बाकी चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ। तो आइए मेरे साथ घर के अंदर का विजिट आपको मैं करवाता हूँ। ये सबसे पहले हम लोग घर के डाइनिंग रूम में एंटर हो रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा ह्यूज डाइनिंग रूम है, आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन 15 से 20 लोगों की कैपेसिटी है बैठ के। अब आपको ड्राइंग रूम में लेके चलता हूँ, और ये घर का ड्राइंग रूम है मेरे पास। अच्छा, बहुत खूबसूरत चीजें वगैरह इसमें इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। तो ये आप देख सकते हैं, कैमरा आपको दिखा रहा होगा, ये फ्रंट पे एक बहुत खूबसूरत सी विंडो है जहाँ से पूरा व्यू आ रहा है बाहर का, आप देख सकते हैं। और छतों पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ है इन्होंने, आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ अब हम चलते हैं, ये एक सेकेंड इसकी जो है एंट्रेंस है, और इसके साथ टीवी लाउंज भी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी सेकेंड एंट्रेंस है, यहाँ से भी हम इसमें एंटर हो सकते हैं। ये डायरेक्ट टीवी लाउंज में एंटर हो रहे हैं। अब ये टीवी लाउंज का व्यू मैं आपको दे रहा हूँ, आगे ये टीवी लाउंज है, आप इसको देख सकते हैं। और टीवी लाउंज के साथ एक सेकेंड आए मेरे साथ, आप ये कॉरिडोर आ रहे हैं, एक छोटा सा कॉरिडोर है, और इसमें से आप दूसरे टीवी लाउंज में एंटर हो रहे हैं। मेरे बैक साइड पे एक किचन भी है, सबसे पहले किचन देख लेते हैं फिर मैं आपको लाउंज में लेके आ रहा हूँ। दो किचन है, और ये पहले उन्होंने एक छोटा सा किचन दिया है, और आए मेरे साथ मैं आपको सेकंड किचन दिखाता हूँ इसका। व्यूअर्स, ये सेकंड किचन आ गया है, ये इसमें कबर्ड्स वगैरह हैं, स्टोव वगैरह लगे हैं, तमाम चीजें हैं, और इसका एक रास्ता जो है वो बाहर की तरफ जो है कॉरिडोर में भी निकलता है, यहाँ से हम पार्किंग की तरफ भी जा सकते हैं। और पीछे भी इन्होंने सर्वेंट्स के लिए जगह वगैरह दी है जो कि कैमरा आपको दिखा सकता है। ये बैक साइड का व्यू है, ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत व्यू जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं कोई भी पार्टी वगैरह के लिए। इसके बाद जो है आज है मेरे साथ, मैं बेडरूम का आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इस घर की ये खासियत है कि इस घर के अंदर दो टीवी लाउंज हैं, ये दो टीवी लाउंज हैं, ये दूसरे टीवी लाउंज में हम लोग आ चुके हैं इस वक्त। ये इस घर का दूसरा टीवी लाउंज है जो कि आपको मेरे पीछे सब नजर आ रहा होगा, माशाल्लाह बहुत क्यूट है और बहुत खूबसूरत है, और आप इसको देखें। और इसके साथ मैं आपको लेके चलता हूँ, ये एक सिटिंग ओपन सिटिंग एरिया दिया है। ये बहुत खूबसूरत इसका व्यू है, ये एक ओपन एरिया इन्होंने छोड़ा है जो कि आप शाम में इसे बैठ के अपनी चाय पर पी सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ गपशप कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बड़ा अच्छा इसका ओपन व्यू आ रहा है, तो इसको देख लीजिए और आए मेरे साथ। अच्छा व्यूअर्स, इसमें ग्राउंड फ्लोर पे दो बेडरूम्स हैं, इन्होंने दो बेडरूम्स दिए हैं, एक मेरे राइट साइड पे है और एक मेरे ये दूसरा वाला ये है।
तो मैं आपको व्यूवर्स इस रूम का व्यू करवा रहा हूँ आज मेरे साथ। ये सबसे पहले बेडरूम में अंदर आते ही इसका वॉशरूम की तरफ चलते हैं। मैं लाइट इसकी ऑन करूंगा। व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत वॉशरूम है, इसमें टाइल्स वगैरह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत टाइल्स लगाई है। और इसके अलावा सैनिटरी वर्क जो है, इसमें कमोड वगैरह, इसमें जितनी भी सैनिटरी है सब इम्पोर्टेड यूज की गई है और ए क्लास मटेरियल है। आए मैं आपको बाहर देखे चलता हूँ। ये छोटा सा ड्रेसिंग रूम भी है, ये ड्रेसिंग रूम है, इसको इन्होंने अभी थोड़ा सा इसमें वर्किंग बाकी है, तो ये आप देख सकते हैं काफी ह्यूज है, इसमें आप अपनी अलमेरा वगैरह लगा सकते हैं। ये व्यूवर्स इसका बेडरूम है, माशाल्लाह ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम बहुत अच्छे साइज में है, एक साइज बेड लगा हुआ है। मेरे राइट हैंड पे एक खूबसूरत सी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और इधर आप ये वॉल पे टीवी वगैरह भी देख सकते हैं। तमाम चीजें माशाल्लाह इसकी जो है छत वगैरह पे भी बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है, बहुत अच्छा है, और पेंट वर्क बहुत अच्छा किया है, बहुत डिफरेंट चीज है, एक अच्छा वो शो हो रहा है इस पे, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। आप देखें कि बड़ी ही खूबसूरती से, बड़ी नफासत से ये एक नई चीज मुझे देखने को मिली है। तो एनीवे आइए आप मेरे साथ। तो ये कमरा है, सॉरी इसको मैं इस वक्त आपको विजिट नहीं करवा सकूंगा क्योंकि ये लॉक है, इसमें इस वक्त हमारे पास कीज मौजूद नहीं है। नेक्स्ट विजिट में इंशाल्लाह आपको इसका विजिट दूंगा मैं। तो आए मेरे साथ, हम ऊपर चलते हैं। Love is all we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. और व्यूअर्स ये लाउंज के साथ एक छोटा सा पाउडर रूम भी है, ये भी मैं आपको विजिट करवाता चलूं। ये एक छोटा सा पाउडर रूम है जो कि इन्होंने गेस्ट वगैरह जिनको आप अंदर नहीं लेके जाना चाहते उनके लिए इन्होंने ये बनाया है। इसमें भी बहुत खूबसूरत टाइल लगी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो ये ग्राउंड फ्लोर का तकरीबन विजिट तो मैंने आपको करवा दिया है, और अब मैं चाहूंगा कि हम लोग ऊपर चलें और फर्स्ट फ्लोर का आपको जो है मैं विजिट करवाऊं, जहां पे चार बेडरूम्स हैं। तो मेरे साथ चलें, आपको ऊपर का विजिट करवा दें। जैसा आइए, बड़ी खूबसूरत स्टेयर्स है और इनके अभी ग्रिल लगना बाकी है, और ये वॉल पे जो है थोड़ा स्टोन वर्क है, बहुत डिफरेंट सी चीज है, आपको अच्छा लगेगा। लगना बाकी है, कुछ काम बाकी है इस घर में, तो इसकी स्टेयर्स में ये लाइट्स वगैरह का भी काम अभी जो है वो क्योंकि अंडर इसका कंस्ट्रक्शन है, तो अभी हम ये काम जो है इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके ये घर को पूरा किया जाएगा। इधर भी खूबसूरत किस्म का ये लाउंज आ गया है ऊपर का, और इसमें ये देखें बड़ा खूबसूरत फ्लावर वर्क हुआ हुआ है छतों पे, इस पे लाइट्स वगैरह जो कि आपको शायद नजर आ रही है, आप देखें मेरे साथ। ये आए मेरे साथ, ये बाहर का एरिया है, इसका टेरेस है घर का, बड़ा खूबसूरत टेरेस है, बहुत ह्यूज टेरेस है। तो इस पे इस टेरेस को आप देख लीजिए, ये टेरेस को जो है शाम को बैठने के लिए इसको भी यूज किया जा सकता है। इस डिफरेंट एलिवेशन तमाम चीजें खूबसूरती बाहर की ग्रीनरी आपको नजर आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आए मेरे साथ अंदर के बेडरूम का विजिट करते हैं। दोस्तों ये पहला बेडरूम है, मास्टर बेडरूम जिसे कहेंगे, बहुत बड़ा बेडरूम है, बहुत अच्छे साइज में है। मेरे राइट साइड पे एक बहुत खूबसूरत विंडो है जिससे पूरा घर का आउट व्यू नजर आ रहा है मुझे, और लेफ्ट साइड पे आप देखें माशाल्लाह, इसमें मैं क्या, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है, इतना खूबसूरत इसके अंदर काम किया गया है कि फ्लोरिंग बहुत खूबसूरत इसके अंदर है, और राइट साइड पे ये चीजें वगैरह, ये वॉल पे इस वक्त वॉल पेपर बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है इन्होंने, इम्पोर्टेड वॉल पेपर है। और आज है मेरे साथ, आपको मैं इसका वॉशरूम दिखाता हूँ, इसका वॉशरूम भी बहुत ह्यूज है। इसके साथ सबसे पहले मैं आपको इसके ड्रेसिंग रूम दिखाऊंगा, ये माशाल्लाह एक छोटे से बेडरूम के बराबर है। ये वॉशरूम का ड्रेसिंग रूम जो है ये एक छोटे से कमरे के बराबर है, इसमें भी अभी थोड़ी सी काम बाकी है, और ये मैं आपको वॉशरूम की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये वॉशरूम है लेकिन अभी इसमें सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह जो है वो लगाना बाकी है,
लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू करवा दिया है ताकि आपको अंदाजा रहे कि क्या चीज है, क्या चीज बन रही है। ये टाइल वर्क देखें कितना खूबसूरत है, ये अटैली टाइल्स लगाई गई है दीवारों पे, और ऊपर छत से देखें कि माशाल्लाह बहुत अच्छा इसके अंदर व्यू आ रहा है। इन्होंने ओपन स्पेस के लिए छोड़ा है इसको, ये विंडो लेफ्ट साइड पे, और पीछे ये सब पत्थर का बहुत खूबसूरत काम है। और आप आए यहाँ पे जो है इसमें अभी अलमीरा इंस्टॉल की जाएगी, ये पूरी स्पेस इसकी बाकी है। तो आए मेरे साथ। ऊपर काम हुआ है छतों पे, आप एक बार दोबारा कैमरा अगर आपको दिखा सके, बहुत डिफरेंट स्टाइल में इसका जो है इनर साइड जो है मूव की, बहुत खूबसूरत इन्होंने इसके अंदर लाइटिंग की है। तो अब मेरे साथ आप चले दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं, चले पहले भी विजिट करवाते हैं। इस रूम को मैं विजिट करवा रहा हूँ लेकिन काफी इसके अंदर सामान बिखरा हुआ है, तो सिर्फ साइज को दिखाने के लिए कि बेडरूम साइज वगैरह जो है वो A1, और इसका भी आप ऊपर काम देख लीजिए कि किस किस्म का इसमें लाइट्स वगैरह बहुत खूबसूरत अंदाज में इसमें नस्ल की गई है। इसकी विंडो जो है आपको बिल्कुल नीचे जो बैठने की ओपन स्पेस थी उसमें खुलती है। तो आए मेरे ये तीसरा रूम है इसमें, लेकिन हमने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है अभी, मैंने आपको सिर्फ इसको दिखाना था कि बहुत अच्छा इसका भी साइज है और डबल बेड इसमें लगाया जा सकता है। तो इसके साथ ये इसका वॉशरूम है, आ जाए ये इसका वॉशरूम है जबरदस्त, इसमें ब्लैक कलर की इन्होंने टाइल्स का इस्तेमाल किया है। सैनिटरी अभी इसकी भी बाकी है, चीजें इसमें लगना बाकी है, लेकिन आप साइज को और टाइल वर्क को देख लें कि बहुत खूबसूरत है, बहुत हफीज काम हुआ है। आ जाए व्यूअर्स, अब हम चौथे कमरे की तरफ चलते हैं। ये इसका चौथा बेडरूम है, माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल सिंपल इसको रखा है इन्होंने, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में दिया है, तो बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। तो इसका वॉशरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका ड्रेसिंग रूम है पहले, इसको भी अभी कवर्स वगैरह इसमें सब जो है वो लगनी है इसलिए। और ये इसका वॉशरूम है, जबरदस्त बहुत खूबसूरत वॉशरूम है ये भी, इसमें भी टाइल्स, इस घर में टाइल्स जो है ना वो इन्होंने बहुत अच्छी सिलेक्ट की है, बहुत खूबसूरत एक डिफरेंट चीज नजर आई है मुझे कि जो मैंने शायद पहले नहीं देखी। तो इसकी ये तमाम चीजें वगैरह जो है ये सब हमारे पास पेटी में सब पैक पड़ा है सामान, और ये सब चीजें जो है हमने इसको लगानी है। ये इसका कमोड है जैसे लगा अभी रिसेंटली का ही हमने लगाया इसको, तो इस तरह बाकी चीजें भी सब हमने ली हुई है, सिर्फ इसको अभी इंस्टॉलेशन बाकी है। तो मैं आपको रिव्यू इसलिए पहले करवा दिया मैंने, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में मैं आपको इसकी सारा सैनिटरी के साथ फिटिंग के साथ आपको दूंगा इंशाल्लाह सेकंड रिव्यू जो है। अच्छा तो दोस्तों हमारा रिव्यू आज का इस ब्यूटीफुल घर का अपने अख्ताम को पहुंचता है, और मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपको ये घर बहुत पसंद आया होगा। और किसी किस्म की भी डिटेल और किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगेबान, इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।